पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। देश के अलग अलग राज्यों में सीबीआई ब्रांच की टीम जांच में जुट गई है। सीबीआई अभी तक गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। एनटीए के जिन अधिकारियों ने नीट परीक्षा कंडक्ट करवाई है, सीबीआई उन सभी से जल्द संपर्क कर सकती है। सीबीआई को कई दिन पहले ही नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि इस पूरे मामले की शिकायत कई राज्यों से मिल रही थी। शिक्षा मंत्रालय ने कल लिखित तौर पर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इसके बाद आज से जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई बहुत जल्द जांच को आगे बढ़ाएगी। तो चलिए अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ग्राफिक्स के जरिए नीट यूजी परीक्षा में ये पूरा मामला किस तरह से तूल पकड़ता नजर आ रहा है, किस तरह से धांधली हुई। शिक्षा मंत्रालय ने अब ये जांच सीबीआई को सौंप दी है। नीट यूजी परीक्षा की अब जांच सीबीआई करेगी। शिक्षा मंत्री ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। समिति 2 महीने में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देगी। 7 अधिकारियों की हाई लेवल कमेटी गठित की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है। इस बीच तो नीट परीक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, अब जो है डीजी को हटा दिया गया है। सुबोध कुमार को सरकार ने हटा दिया है। एनटीए के डीजी हैं सुबोध कुमार, जिनको हटा दिया गया है और जांच सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो सरकार का पहला फैसला, यूजी पेपर लीक की जांच की जाएगी,